देख पा रहे हैं बड लेंथ करीबन 4 से 5 सेंटीमीटर की हो गई है। देखिए अब 2 या 3 दिन बाद इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देखिए पूरी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। अब 2 या 3 दिन में इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कितनी लंबी इनकी बड लेंथ हो गई है। जो टेम्परेचर है हमने अभी दिन का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री के करीब रखा हुआ है। लाइट किसी भी तरह से हमने अभी तक कोई भी लाइट नहीं दी है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से हर चीज़ बंद है। प्लास्टिक की ट्रे में भी रखे हुए हैं। तो प्लास्टिक की ट्रे है इनमें भी आप देखिएगा तो बडिंग स्टार्ट हो गई है। और प्लास्टिक में वुडन के मुकाबले आप देखेंगे तो साइज छोटा दिखाई देगा आपको, तो इसलिए आप वुडन को ही प्रेफर कीजिएगा। और भी आगे हम आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज हम आपको दे पाएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जी अभी फ्रेश लोट आए, एक और आया है, आज ही मिल पाया हमें। तो इससे पहले के 2 लोट हमने छांट के लैब में रख दिए हैं। कुछ हमने हमारा पिछले साल वाला भी रखा हुआ है 200 किलो, बाकी ये लोट आया है अभी, इसको छांट रहे हैं। वो वाला हम छांट चुके हैं पूरा का पूरा, आप देखें पूरा का पूरा लोट छांट दिया है। हर एक लोट में से आपको अलग छांट के रखना पड़ेगा। और इनके अंदर देखें आप जो भी आएगा, जो बल्ब है ये देखो, ये सारे 5 से 6 ग्राम तक के हैं, लगभग टोटल 6 से लेके 15 ग्राम के बीच के अंदर मिक्स है। इसके अंदर जो भी है ना टोटली सारा का सारा, तो आपको सारे छांट के अलग अलग करके लगाने हैं। जो बच जाते हैं छोटा है उसको आपने ज़मीन पे लगाना है। ये एक और छटा हुआ, अभी इसको छांटा जा रहा है, उसको हम छांट चुके हैं वो सारा का सारा। हालांकि ये दूसरा लोट है जो आया है, इसको अभी हमने ट्रे में लगाया है। आप देखें पूरा का पूरा ट्रे के अंदर लगा दिया गया है, जो इसके अंदर से सारे के अंदर से जो आप छाटोगे, छाटने के बाद जो ये अभी ये वहाँ से आया है श्रीनगर से, तो इसके अंदर ऑलरेडी सब के अंदर रूट्स निकले हुए हैं, आप देख सकते हो। नमस्कार किसान दोस्तों, आज ये 30 अगस्त है और हमने हमारी लैब पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। देखें ये सारा का सारा कम खर्चे के अंदर आप कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये पर्दे लगा दिए हैं सारे के सारे ताकि धूप डायरेक्ट ना गिरे। अंदर शीट्स वगैरह लगा दिए, ये पूरी की पूरी आप देखें ध्यान से, ये अंदर हमने टोटली कंप्लीट कर दिया। ये देखें ब्लैक कपड़ा लगा दिया है। अब इसमें जो हमारे शीड है लास्ट ईयर के जो हमने खेत में लगाए हुए थे, अब हम उनको लेकर आएंगे। इस साइड हमने ये लगाई है जो थर्माकोल है, ये टोटली कवर लगा के सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। इसको आप देखें धीरे धीरे शीट लेके आना शुरू कर दिया है। गांव से जो शीट आया देखें हमने यहाँ ला के रख दिया रैक पे, अब इसको हम अंदर रखना शुरू कर देंगे। लगभग 300 किलो शीट हमारा जो बचा हुआ है वो वाला हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस साल बारिश ज़्यादा होने के कारण खेत में पानी खड़ा हो गया था, जिसके कारण कि हमारा 500 kg से ऊपर शीट खराब हो गया। जो हमारा बचा हुआ शीड है दूसरे खेत में लगाया था वो हम यहाँ ले आए। अब धीरे 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 ये सारा लगाना शुरू करेंगे। ये देखें टोटली कंप्लीट हो चुका है यहाँ का काम सारा का सारा। आपको दूसरी साइड से और दिखाएंगे अभी। यहाँ पे एक विंडो थी उसको भी हमने टोटली कवर कर दिया था, जहाँ जहाँ विंडो होंगी। कैसे आप घर के अंदर लैब तैयार करेंगे ये देखें, यहाँ पे भी हमने टोटली पूरा कवर कर दिया है, पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं इसको हम।
देखिए नीचे ब्लैक हीट शीट लगाई है, उसके ऊपर वाइट लगाई है। ये वाइट लगभग 2 इंच मोटी है, इसको हीट शीट बोलते हैं। ये लगभग 2 इंच मोटी है, तो आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से कवर करें। थोड़ा सा नीचे रह गया, इसको अभी हम कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। हमने अपना चिलर ऑन कर दिया है, तो टेस्टिंग के लिए हमने ऑन कर रखा है। देख लें आप, टोटली पूरा कंप्लीट। अब मैं आपको ऊपर छत दिखाऊंगा कैसे छत के ऊपर आपको कवर करना है। मतलब कि कहीं से भी हमें ऐसी जगह नहीं छोड़नी है जहां टेम्परेचर आपका बाहर जाए। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आप करेंगे, क्योंकि हम घर के अंदर कर रहे हैं, अंदर के रूम में। एक छोटे लेवल के बजट के हिसाब से हम अपनी लैब स्टार्ट कर रहे हैं। देखें टोटली कवर कर दिया, ये सारा का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। देखो अब आपको हम दिखाएंगे, धूप के लिए हमने ग्रीन चादर लगा दिया। सारी की सारी टोटली तो धूप के ऊपर आ, जहाँ से धूप अंदर ना जाए। ये देखिए आप अंदर, यहाँ पे सब अंदर जो भी आपको लगे आपके पास, अगर कोई घर में एक्स्ट्रा सामान पड़ा है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पर्दे लगा दिए चारों तरफ ताकि धूप अंदर ना जाए। ब्लैक शीट भी अंदर लगाई गई है। और अब ये यहाँ पे दूसरी वही 2-2 इंच वाली हीट शीट देखें आप, ये हमने छत के ऊपर डाल दी है। अब इसको हम टोटली कवर कर रहे हैं ताकि यहाँ से भी अंदर ना जाए गर्मी। ऊपर से छत को भी कवर करना है आपने। अगर आप घर के अंदर किसी रूम में नीचे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप छत पे कर रहे हैं तो आपको ये टोटली कवर करना पड़ेगा। ये देखिए ये पर्दे वगैरह अपने ऐसे लगा देने, इसको टोटली पूरे के पूरे इनको हम अभी इससे कवर कर देंगे। और ये देख रहे हैं लोहे के जो पिलर्स हैं, इनसे इनको दबा देंगे तो टोटली आप इसको कवर करेंगे। और उसके तो पूरी छत कवर कर देनी चाहिए, बट जहाँ जहाँ हमारा वो है सेटअप लगाया हम, वहीं वहीं से इसको कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ। अमरताव प्राइवेट लिमिटेड चैनल जो किसानों के लिए बनाया, उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों। ये देखिए टोटली इसको कंप्लीट कर दिया अभी। यहाँ से हमने छत के ऊपर आप प्रॉपर इसमें नीचे हीट शीट लगाई हुई है, देखिए उसके ऊपर कपड़े से या जो भी मर्जी से आप ढक सकते हैं ताकि ऊपर इसके ऊपर से गर्मी उसको ना आए, जब भी आप टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। ये आपकी कॉस्ट कटिंग है अगर आप पफ पैनल वगैरह अगर नहीं लगाना चाहते तो। ध्यान से देख लें आप, ऊपर से कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। नमस्कार किसान दोस्तों, ये हमारी लैब आज कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी। आज 30 अगस्त है, आज 30 अगस्त है। आज 2 अक्टूबर है और ये हमारी अंदर लैब की वीडियो है। टोटली हमने इसको कवर किया हुआ है, देखिए इसमें से बर्ड्स निकल चुके हैं, सब में से बर्ड्स निकल चुके हैं जितने भी हैं। ये ह्यूमिडिटी फायर है जैसे वर्क करता ही है, ये मिस्ट जो मिस्ट के अंदर आती है ना, हमें वही वाली चीज होती है मिस्ट के थ्रू। सब में बर्ड्स आ चुकी है, टोटली सब में बर्ड है। ये सब में बर्ड आई हुई है,
ये चिलर है, प्रॉपर वर्किंग लैब है। अभी जो लैब वर्किंग होती है ना, वो वर्किंग कंडीशन में है, सब चीज़ें चल रही हैं टोटली प्रॉपर तरीके से। ये अभी फिलहाल एसी चलाया हुआ है हमने, तो ये प्रॉपर है लैब है। आप इसी तरीके से अपनी लैब एक छोटे से रूम से शुरू कर सकते हैं। ये ह्यूमिडिफायर, और आप देखें ये प्रॉपर तरीके से हमने इसका चिलर का और ह्यूमिडिफायर का सारा हमने इसमें डाला हुआ है वाटर, जिससे कि बीच में पानी ड्रॉप ना हो। अब अगली वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे, जिसके अंदर और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको थोड़ी बहुत देंगे। और हमारा जो चैनल है अमरतत्व, जो किसानों के लिए बनाए, इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी से, किसान भाइयों से यही दरख्वास्त है, धन्यवाद। ये वाला उठाते हैं अपन, ये देखो ऐसे निकल रहे हैं छिलकों में से, ये खराब है सारा का सारा भाई, टोटली अनयूज्ड भी लागे इस बीज है भाई।